अगर CAA का विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं पड़ोसी देश माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करते रहें और जुल्म सहते रहें। इससे बड़ा असंवैधानिक और अमानवीय रूप नहीं होगा। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex Anvega Mall, Ajmer. ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कुछ चुनकर सूफी समाज के लोग बुलाए हैं, जबकि ये था कि यहाँ इस समय बहुत बड़ा उर्स प्रारंभ हो गया होगा, तो भी बुलाए हैं। 10-12 प्रांतों से सैकड़ों में लोग आए हैं, जिनका मूल संदेश ये है, मालिक से हम सब मनुष्य हैं, परंतु देशों से हम सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन हैं, मजहब से हम सब के मजहब अलग अलग होंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, इसलिए मजहबों के नाम पर कट्टरता नहीं चाहिए, मजहबों के नाम पर भाईचारा चाहिए। और हम सब पहले भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन हैं, बाद में हमारा मजहब, जात, भाषा, बोली आती है। दुनिया में एकमात्र मालिक ने, खुदा ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने, ईश्वर ने हिंदुस्तान मुल्क ऐसा बनाया है जहाँ दुनिया के सब धर्मों और उपधर्मों के लोग हैं। दुनिया के अंदर 224 के लगभग ईसाई फिरके हैं, किसी भी एक ईसाई देश में सब ईसाई फिरके नहीं हैं, केवल भारत में। दुनिया के अंदर इस्लाम के 72 फिरके हैं, किसी भी दुनिया के मुस्लिम देश में 72 के 72 फिरके नहीं हैं, भारत में ही हैं। बुद्धिज़्म के 18 से अधिक फिरके हैं, लीनेज हैं, किसी भी देश में सब नहीं होंगे, भारत में हैं। इसलिए भारत को माँ भी कहा जाता है, विश्व गुरु भी माना जाता है। ये टाइटल दुनिया में किसी के पास बदलने की ताकत नहीं है। और इस भाईचारे का संदेश राजनीति, कट्टरता, हिंसा ना तोड़ सके, और यही भाईचारा हमें गरीबी से, बेरोजगारी से, अनपढ़ता से निकाल कर तेज गति से तरक्की की ओर लेकर जाएगा। मुल्क में अमन रहेगा, सलामती रहेगी, तो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को बनाकर दुनिया को भी रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। यह सूफी संदेश हर धर्म का है, इस्लाम धर्म के इस सूफी संदेश को भी आज यहाँ दिया जाएगा। सर, आप CAA को लेकर क्या कहना है? सर, जो अभी भाईचारे वाली बात करी है, मुस्लिम समाज का कहना भी है उसमें कि CAA यह है, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। यह है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हैं उनको नागरिकता देने का है। जो लोग ये कहते हैं कि इसमें भेदभाव है, उनके या तो समझने में गलती रही है या वो भड़काए ज़्यादा गए हैं। भारत सरकार ने साफ कहा है, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी, शिया, अहमदिया, गोरा या और तरह तरह के अन्य हुसैनी वाला ऐसे मुसलमानों पर जुल्म भी है, तो एक बड़ा खतरनाक प्रश्न खड़ा होता है, इस्लामिक राज्य वेलफेयर स्टेट हैं कि वहाँ पर इस्लामिक माइनॉरिटी और अन्य सब माइनॉरिटी पर जुल्म 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 ही हैं? क्या मुसलमान, हिंदुस्तान के लोग और दुनिया के लोग इस्लामिक राज्य को ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? ये उन सबको सोचना चाहिए। इसलिए देश के अंदर नारा ये चाहिए था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और माइनॉरिटी पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। यह देश का स्वाभाविक था। और अगर किसी को लगता है CAA में उनका मजहब, जाति, पार्टी नहीं है, तो वो मांग कर सकते थे इन देशों में इन पर भी जुल्म है, उनको भर्ती करो। अगर CAA का विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं पड़ोसी देश माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करते रहें
और जुल्म सहते रहें, इससे बड़ा असंवैधानिक और अमानवीय रूप नहीं होगा। इसलिए हम इसके बारे में बहुत साफ हैं कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी पर जुल्म होता है। आप देखिए 106 ईसाई देश हैं, सब चुप हैं। 54 मुस्लिम देश हैं, सब चुप हैं। 30 बौद्ध देश हैं, सब चुप हैं। केवल भारत ही है जो प्रो माइनॉरिटी है। ऑल आर कैप्टिंग मम मीन्स दे आर एंटी माइनॉरिटी। यह देश ने और दुनिया ने समझना चाहिए और मीडिया ने इस बात को साफ सुथरे ढंग से लाना चाहिए। इसलिए अब देश में एक वातावरण बन गया है कि CAA तो लागू करो। जो इसमें और लाने हैं, भारत सरकार ने कहा है पहले हम 11+1 में और वर्ष में नागरिकता देते थे, हम इस CAA के अंतर्गत अब 5+1 में नागरिकता ऐसे जुल्म और अत्याचार होने वाले लोगों को प्रदान करेंगे। इसलिए CAA का विरोध यानी कट्टरता, हिंसा, अत्याचार को बढ़ावा देगा और पड़ोसी देशों में इसके जुल्म बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैंने ईसाइयों के सामने, मुसलमानों के सामने, मीडिया के सामने और दुनिया के सामने प्रश्न रखा है कि सबने मिलकर क्या जुल्मों का समर्थन करना है या जुल्मों का विरोध करके मानवता की रक्षा करना है। इसलिए समझेंगे तो रास्ता है, नहीं समझेंगे तो बर्बादी है। अब ये देश का वो समय चला गया जब कोई मजहब के नाम पर देश को बांटने का धंधा कर सकेगा। अगर कोई कहता है 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, तो समझ लेना चाहिए वह कट्टरपंथी है, एंटी इस्लामिक है, एंटी और वह खुदा है, एंटी रसूल है और वह एंटी मानवीय भी है। इसलिए ऐसे लोगों को मुसलमानों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। उनका बहिष्कार करना चाहिए जो धर्म के नाम पर समाज को बांटकर लड़वाएंगे। यह इस देश में आगे नहीं चल सकता है, न चलना चाहिए। देखिए 23 फरवरी 2020 को आज जवाहर रंगमंच अजमेर के अंदर सूफी नगरी में और यहाँ पर जो पुष्कर राज है वहाँ पर इस सोच के साथ एक कार्यक्रम रखा गया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे दरगाहों के सूफी संत साहिबान हैं, जो गद्दी नशीन है, जो खादिम साहिबान है, जो खिदमतगार हैं, उन सबको बुलाकर हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब जो इसके मार्गदर्शक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, ये मैसेज दिया जाए कि क्योंकि दरगाहों के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता नज़र आती है, एक सोच बनाकर मोहब्बत खलूस से सब एक जगह आते हैं, तो उनको ये मैसेज दें कि हमारा मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब आपस में हम भाईचारा बनाए रखें, आपस में खलूस बनाए रखें, उस मुल्क को तरक्की के लिए सोचें। स्वच्छता अभियान अपने घर की करें, अपने पड़ोस की करें, अपने मुल्क की करें, अपने गांव की करें, अपने शहर की करें, जो अभियान हमारे खुद के लिए है स्वच्छता अभियान। इसी तरह बेटी बचाओ जैसा, सारी जो बातें हैं जो मैं समझता हूँ देश के हित में हो, वो सारी हम सूफी साहिबान, गद्दी नशीन साहिबान दरगाहों के ज़रिए इस कार्यक्रम के लिए दिया जा रहा है। देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को एक अच्छे खिदमतगार, एक अच्छे वली, एक अच्छे हमारे बुज़ुर्ग मानते हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर इसी जगह को चुना गया है ताकि यहाँ पर हमारे लोगों के साथ साथ गरीब नवाज की भी दुआएं हमारे साथ रह सकें और मुल्क में अमन और तरक्की और खुशहाली रह सकें। ये सब विषय नहीं है। सैयद अबू बकर नकवी, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, पूर्व चेयरमैन वक्फ बोर्ड राजस्थान।